वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे शो में। ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम आपके साथ आए हैं और आज हम पहुंचे हैं किनसे मिले, जिनसे जिनका बेसब्री से इंतजार था। हमारे साथ है मिस्टर JSLive। वेलकम टू आवर शो सर। हेलो सर। हेलो, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए। तो JSLive सर हमारे साथ हैं, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, जिनके लिए हमने पहुंचने की यहाँ पर बहुत मुशक्कत करी, बहुत लोगों से मिलने की कोशिश करी कि इनसे मुलाकात हो पाए, लेकिन आज हमारी JSLive से मुलाकात हो चुकी है। हमारे साथ रूबरू हैं, हमारे साथ खड़े हैं। अगर कोई भी कॉन्टैक्ट करना हो शो के रिगार्डिंग तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। मेरा नाम है गुरप्रीत सरवारा, JS का मैनेजर। लेंगे सर? पांक। तो हमारे साथ है गुरप्रीत सरवारा जी, इनके मैनेजर, जो बताए गए अपने बारे में। और अभी हमारे साथ है मिस्टर JSLive। हम इनसे जानेंगे कि JSLive जो हैं आज लाइव जाते हैं, बात बात पे लाइव जाते हैं। हम इनसे जानेंगे, अपने लोगों से पूछा था कि लोग क्या सोचते हैं JSLive के बारे में, लोग इनके दुश्मन हैं, इनके दोस्त हैं। हम इनसे जानेंगे। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्या ये लाइव है? लाइव है सर, लाइव है सर, हम बात लाइव है सर। हाँ जी जी, पूछिए। हमारे साथ हैं JSLive सर, आप हमें बताइए कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं, JSLive आप बार बार लाइव जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना है सर? सर मेरा सोचना ये, चाहे कोई मुझे पसंद करे या ना करे, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लाइव जाना है तो मैंने जाना ही जाना है। फिर उसके लिए मुझे सारी हदें भी पार करनी पड़े तो मैं कर लूंगा। हदें पार करने की बात की इन्होंने, ये बोल रहे कि ये सारी हदें पार कर जाएंगे लाइव जाने के लिए, दुनिया जो सोचती है सोचे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप मुझे बताइए, ऐसा करने से आपके दुश्मन भी बनते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचना है सर? सर जितने ज्यादा दुश्मन बनेंगे उतनी ज्यादा मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी। दोस्त कौन पॉपुलैरिटी देता? कोई भी नहीं। दोस्त कहते हो ये तो अपना यार है, दुश्मन से ही पॉपुलैरिटी मिलती है। तो मैं तो लाइव जाने से हटूंगा ही, मैंने तो सोचा। इन्होंने बात की है पॉपुलैरिटी की, पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी करेंगे, ये दुश्मन भी बनाएंगे, दोस्त भी बनाएंगे, लेकिन जितने लोगों से हम मिले हैं इनके दुश्मन हमें ज़्यादा मिले हैं, जो इनको पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सर आप आज इतने फेमस हो चुके हैं, आपने अपना ढिंचक पूजा को पीछे छोड़ दिया है, ढिंचक पूजा भी आपके सामने कुछ नहीं है, दुनिया आपको पसंद भी करती है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक लोग आपको पसंद करते हैं, उसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे सर? उसके लिए मैं एक अभी रिसेंट मैंने एक अपना गाना अपनी पब्लिक को सुनाया था, आप मेरे फेसबुक पेज पे उसे देख सकते हैं। तो उसमें है कि मतलब मैं जो भी करता हूँ मेरे को बच्चे बूढ़े सब पसंद करते हैं, सो मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसी वजह से सारी जगह लांबा लांबा हो ही पई है, बिकॉज आई एम JSLive, जगदीप सिंह लांबा, ऑलवेज लाइव। यस, इन्होंने एक बात छेड़ी है कि ये गाना भी गाते हैं, और अब हम इनसे जानेंगे कि इनका एक गाना जो सुनेंगे जो इनका फेवरेट है, और इनसे जानेंगे गाना क्यों गाते हैं बाद में, पहले हम इनसे गाना सुनेंगे। सर दो लाइनें आपके फेवरेट गाने की। जी सर। ओ लांबा गांदा नहीं, ओ गंद सारे करदे पसंद, चाहे होण सयाणे चाहे होण न्याणे, असीं फिकरी नहीं मारी, ताई तां सारे पासे लांबा लांबा होई पई है। हमने गाना सुना इनके मुंह से कि सारे पासे लांबा लांबा होई पई है, और वाकई होई पई है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी है इनसे मिलने के लिए कि सारे पासे वाकई लांबा लांबा होई पड़ी है। सर सर अभी सर बिजी है सर। सर दो मिनट सर, नहीं, दो मिनट सर, सर एक मिनट रहेगा सर, एक मिनट सर, प्लीज सर, ज्यादा नहीं है सर, लाइव है सर, लाइव लाइव है सर, आप लाइव है सर, दो मिनट दो मिनट। ये इनके मैनेजर हैं जो इनका बहुत ख्याल रखते हैं, बात बात के लिए इनको आके समझाते हैं, लेकिन अभी हम JSLive सर से जानेंगे। JSLive सर आप हमें बताइए कि अभी तक आप लाइव जाते थे, अब आप गाना भी गाने लगे हैं, तो ऐसा आपने क्यों किया? सर ऐसे है कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूं। थैंक यू। आप लाइव है सर? आप लाइव है सर? सर लाइव खा नहीं सकता, आप खा सकते हैं सर, आप खा सकते हैं, JSLive खा सकते हैं। हाँ मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, और मैंने बहुत कोशिशें की, मैंने बहुत फेमस होने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे मैनेजर गुरप्रीत ने उसने कहा कि जगदीप भाई जितने भी लोग हैं सब सिंगर बन रहे हैं, सिंगर हैं, गाने गाते हैं, एक्टर बन रहे हैं। बस उस दिन से मैंने मेरे 7 बजे उठ के गरारे करने, फिर 8 बजे से 9 बजे रियाज करना, 9 से 10 2 ग्लास बिल्कुल चिल्ड बर्फ वाला ठंडा पानी पी के हमने गले को करके तार गाना गाना शुरू कर दिया। सर चिप्स सांबा सांप एनी चीज़ लाइव नहीं तो क्या करते सर? बस दो मिनट। थैंक यू थैंक यू। खाते हैं खाते हैं सर, आप खाएंगे नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। चलो दोस्तों, हूँ मेरे दोस्त ने मेरे को कहता है सर आप लाइव है सर, आ रहे जल्दी आप।
ये इनके मैनेजर हैं जो कि बहुत फेमस हो चुके हैं जेएस लाइव की वजह से। जेएस लाइव से दोबारा जानते हैं कि अभी आपने बात की कि सुबह आपने पूरी दिनचर्या सुनाई कि सुबह उठते हैं और शाम को आप क्या करते हैं सिंगर बनने के लिए। अभी आपका मेन मकसद क्या है, जेएस लाइव बात बात पे लाइव जाना सर या फोन? सर सर प्लीज सर दो मिनट मीटिंग सर मीटिंग सर दो मिनट सर आप लाइव है सर मीटिंग पाँच मिनट सर सर अभी आपका मेन मकसद क्या है सर? अभी मेरा मेन मकसद यही है कि लाइव जाना, लोगों को एंटरटेन करना, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, हंसते रहो हंसाते रहो, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। इन्होंने एक डायलॉग यूज किया अभी कि जिंदगी तीन चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, और चॉकलेट से नहीं चलती सर, जिंदगी चलती है तीन चीजों से, एंटरटेनमेंट। बिजी सर सर मीटिंग सर सर एक मिनट कराएगा सर एक मिनट एक मिनट तो जेएस लाइव सर हमारे साथ थे अभी, जिनसे हमने जाना उनकी जुबानी कि वो उनका एक मकसद बन चुका है आज की डेट में कि वो लोगों को खुश करना चाहते हैं, एंटरटेन करना चाहते हैं। और इन्होंने एक बात बोली बड़ी अच्छी कि जिंदगी इनकी जो चल रही है वो तीन चीज़ों में चल रही है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, और यही एंटरटेनमेंट। सर सर पाँच मिनट सर आप लाइव सर आप लाइव सर आप लाइव सर सर हटा 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 हटा